क्योंकि तो मैं पाकिस्तान से 1.5-2 लाख रुपए लेकर आया था और मैंने सोचा कि यहाँ पे आते ही मैं चीज़ें खरीदूंगा, सिनेमा जाऊंगा, खाना, आप एयरपोर्ट पे चीज़ें ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, गाड़ी करवा सकते हैं, क्योंकि चाइना में आते ही आपके पास वीचैट या अलीपे तो होता नहीं है, तो ट्रैवलिंग फॉर यहाँ पे आते ही आपकी करेंसी दोस्तों हो जाएगी एक्सचेंज और वो होगी US डॉलर से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं हूँ बैम्बू के जंगल में और ये है जी चाइना में। दोस्तों याद रखें, चाइना में बैम्बूज के जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बांस के दरख्तों के साथ होते हैं जी पांडा, और पूरी दुनिया में है जी पांडा, वो है जी चाइना की मलकियत। तो चाइना में जब कभी भी आपने आना है, पांडा ज़रूर देख के जाना, और स्पेशली बैम्बूज के जंगलों में। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो इससे हटके है, वो है दोस्तों कि जब कभी भी आप पाकिस्तान से चाइना आएँ तो पाकिस्तानी करेंसी कभी भी ना लेकर आएँ। दोस्तों याद रखें, अगर आपने पाकिस्तानी करेंसी ली वो भी पाकिस्तान से चाइना आने तक बाई एयर्स, तो वो पैसे आपके लिए हैं जी कागज़ के टुकड़े। ये क्यों है, ये कैसे है, ये है जी मेरी आज की वीडियो का अनुमान। तो बने रहिएगा, साथ साथ बैम्बूस के दरख्त देखें और साथ साथ मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखें। दोस्तों याद रखें, पाकिस्तान एक बहुत ही करीबी दोस्त है चाइना का, और चाइना से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चाइना बहुत से लोग आते जाते हैं, तजारत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम है, टैलेंट प्रोग्राम है, CPAC है, और बहुत से ऐसे मंसूबे हैं, वन बेल्ट वन रोड है, ईद आए ईलू है, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं कि आपकी सोच है। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के करीबी साथी हैं, दरीना दोस्त हैं, और इनकी दोस्ती जो है वो सबसे मिसाली है और सबसे बड़ी है। लेकिन दोस्तों क्यों पाकिस्तानी करेंसी चाइना में नहीं चलती? चाइना में जब कभी भी आप आएँ तो पाकिस्तानी करेंसी ना लेकर आएँ, ये कुछ भी नहीं लेकिन महज कागज़ के टुकड़े हैं। ये क्यों है? 2016 में जब मैं पहली दफ़ा चाइना में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली पाकिस्तान की करेंसी भी चलती होगी। तो मैं पाकिस्तान से 1.5-2 लाख रुपए लेकर आया था और मैंने सोचा कि यहाँ पे आते ही मैं चीज़ें खरीदूँगा, सिनेमा जाऊँगा, खाना खाऊँगा और होटल खरीदूँगा, सब कुछ खाऊँगा और हलाल फूड खाऊँगा और ट्रैवलिंग करूँगा, बसों में सफ़र करूँगा। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ हुआ ख्वाब ख्याली में, और ये सारा कुछ मेरा ख्वाब साबित हुआ क्योंकि यहाँ पे करेंसी नहीं चली। तो दोस्तों करेंसी क्यों नहीं चलती ये तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन कौन सी करेंसी है जो आपको लेकर आनी चाहिए जब कभी भी आप चाइना में आएँ? तो चाइना में कौन सी ऐसी करेंसी है जो आपको लेकर आनी चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जब कभी भी आप चाइना में आएँ तो आप चाइनीज़ युआन लेकर आएँ या आप US डॉलर लेकर आएँ। या तो आप चाइनीज़ युआन लेकर आएँ या आप US डॉलर लेकर आए। उसकी वजह यह है दोस्तों कि चाइना का जो सबसे बड़े से बड़ा नोट है वो है दोस्तों 100 RMB। 100 युआन से ज़्यादा यहाँ पे नोट नहीं चलते। 50 का है, 20 का है, 10 का है, लेकिन 100 के ऊपर नहीं है, 5 का भी है। और जैसे ही आप चाइनीज़ करेंसी लेकर आएंगे उसी वक्त खर्च होगी, आपने जो कुछ भी लेना हो उसी वक्त वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे चीज़ें ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, गाड़ी करवा सकते हैं, क्योंकि चाइना में आते ही आपके पास वीचैट या अलीपे तो होता नहीं है, तो फिर आपको करेंसी से ही जो कैश करेंसी है, जो नोट करेंसी है, जो पेपर करेंसी है, उसी से ही काम चलाना पड़ता है। तो इस सिलसिले में जो चाइनीज़ करेंसी है उसी वक्त यहाँ पे आप खर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और किसी भी परेशानी से आप बच सकते हैं। दूसरा है दोस्तों US डॉलर। US डॉलर दुनिया की वो वाहद करेंसी है दोस्तों जो तकरीबन दुनिया के हर कंट्री में चलती है, बल्कि दुनिया के हर कंट्री में चलती है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है शायद ही दुनिया में ऐसा हो जहाँ पर US डॉलर ना चलता हो। ये इंटरनेशनल करेंसी है। इसका फ़ायदा ये होता है, मुझे याद है एक दफ़ा मैं ईरान में गया था तो वहाँ पर भी मैं पाकिस्तानी पैसे लेकर गया था जो कि नहीं चले थे, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास थे US डॉलर। दोस्तों यकीन करें,
ईरान में कफ्तान बॉर्डर के पास तो पाकिस्तानी करेंसी हो जाती है चेंज, या तहरान में भी कुछ इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे करेंसी कर लेते हैं चेंज, लेकिन अदरवाइज़ दूसरे सिटीज़ में ये नहीं होती। तो US डॉलर थे मेरे पास और मैं जा रहा था इस फहान, तो वहाँ पर भी जाकर मुझे US डॉलर की इम्पोर्टर्स का पता चला, तो उसी वक्त वो करेंसी चल गई, यानी कि यूज़ होगी। इसी तरह जब कभी भी आप चाइना में आएँ, किसी भी सिटी में जाएँ, बीजिंग, शंघाई, ग्वानचू, लांचो, वाट एवर द सिटी यू सेलेक्टेड और वाट एवर द सिटी यू आर ट्रैवलिंग फॉर, यहाँ पे आते ही आपकी करेंसी दोस्तों हो जाएगी एक्सचेंज। लेकिन अगर आप लेकर आते हैं पाकिस्तानी करेंसी जो कि यहाँ पे नहीं चलती, वो क्यों नहीं चलती दोस्तों? पहली बात तो ये कि यहाँ पे डिमांड नहीं है पाकिस्तानी करेंसी की ना, जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं वो आते ही यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ में चले जाते हैं जहाँ पे उनको अपनी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए जाना पड़ता है, या कोई बिजनेस मैन है वो ग्वानचू में, शंघाई में या बीजिंग में रहते हैं, तो वो जो करेंसी है पाकिस्तानी करेंसी वो चाइनीज़ किसको दे? डेफिनेटली अगर एक शहर में 1,000 या 2,000 पाकिस्तानी, बल्कि तो बहुत बड़ी तादाद कह रहा हूँ, 500 या 400 पाकिस्तानी है, तो वो सारी करेंसी किस किस को देंगे? तो इसलिए वो करेंसी उनके लिए हो जाती है बेकार, वो कागज़ के टुकड़े होते हैं महज, उनको चाहे आप रख लें। मुझे याद है एक दफ़ा मैं पाकिस्तानी करेंसी लेकर आया था, तो एक साल बाद मैं पाकिस्तान लेकर गया था और वहाँ पे जाके उसको यूज़ किया था। तो इसलिए पाकिस्तानी करेंसी चाइना में नहीं चलती। सो आई रेकमेंड यू कि जब कभी भी आप आएँ पाकिस्तान से चाइना सफ़र करें, तो आप पाकिस्तानी करेंसी ना लेकर आएँ, वो बहस कागज़ के टुकड़े हैं, किसी भी बैंक में भी वो एक्सचेंज नहीं होगी। दूसरी बात ये कि इसका थोड़ा सा फ़ायदा होता है, अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो 100 तक ये करेंसी चलती है, वहाँ पे आपको को पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं, अगर आप गाड़ी में हो या आप बस में हो तो कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको ठहरना पड़ जाता है, वहाँ तक तो ये पाकिस्तानी करेंसी ठीक है। अगर आप बाय रोड आ रहे हो सोस बॉर्डर तक और मे बी खंजराब तक भी ये करेंसी चल जाए, उसके बाद ताशकुरगन और ये आगे दूसरे जो चाइनीज़ इलाके स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर भी ये नहीं चलती। तो जब कभी भी आप चाइना में आएँ, पाकिस्तानी करेंसी को ना लेकर आएँ दोस्तों, ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपके साथ ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है वो भी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में हैं न्यू, मुझे करें सब्सक्राइब। अपना रखिए ख्याल, थैंक यू सो मच।